जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब खबर जो है वो महाराष्ट्र से है कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने आरोप लगाया है कि बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, उन्होंने सोनू निगम को हत्या कराने की साजिश रची थी। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी, वो बताएंगे कि इसके पीछे क्या राज है, क्यों अचानक ये मरने और मरवाने की बात सामने आने लगी। दरअसल ये अचानक नहीं हुआ है। अगर जैसे ही नारायण राणे परिवार पे शिवसेना की तरफ से कोई बड़े आरोप लगते हैं, वो ये बात उठाते हैं। 2007 में मुझे अच्छे से याद है, नारायण राणे पे कुछ ऐसे आरोप लगाए, जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर हो गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, तब खुद बाला साहब ने ये आरोप लगाए कि ये पार्टी में इसने इतना नुकसान पहुंचाया, चोरी की, इस तरह के आरोप लगाए। तब उन्होंने नारायण राणे ने खुल के बोला कि मैं अगर एक एक करके राज खोलूँगा कि कितने लोग अब तक बाला साहब ठाकरे ने मरवाए हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे सीएम बनाया क्यों, आपने मुझे अगर मैं ऐसे ही आदमी था तो सीएम बनाया क्यों। दूसरा उन्होंने फिर कहा, और बाकायदा अभी जो नीलेश राणे ने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन नारायण राणे ने 2007 में बाकायदा कहा था कि उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को इस काम पर लगाया था कि सोनू निगम की हत्या की जाए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दूसरा मसला भी यही है जो अभी इसने लगाया, इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं नीलेश राणे के ऊपर। तो ऐसे में वो आपको पता है बेहतर, राजनीति वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सोनू निगम कहाँ से बीच में आ गए, सोनू निगम को क्यों। अच्छा, उसने ना एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि सोनू निगम के परिवार से और उनके क्या संबंध है, ये सबको पता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये पारिवारिक संबंध और सोनू निगम की हत्या की साजिश, यही एक राज है। ये राज है जो हमें कई सालों से हम लोगों को भी परेशान कर रहा है। होता क्या है कि अगर आप सोनू निगम को जानते हो, बॉलीवुड में वो किसी खेमे में नहीं है, लेकिन 3 बार उन्होंने ऐसी हरकत की जैसे ऐसे लगा जैसे राष्ट्रवादी खेमा हिंदूवादी हैं वो। पहला जब उन्होंने किया, जब बॉम्बे पे हमला हुआ, मैं खुद मौजूद था, हम लोगों ने शो बनाया और उस वक्त बॉम्बे में ही था। उस वक्त सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि अब बॉम्बे पे हमला हुआ है, अब कोई खान क्यों नहीं आता सामने। वो खान स्टार्स की बात कर रहे थे और इसको लेकर बाद में उन्होंने इसको लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन चैनल में चला गया। दूसरी बार फिर आया जब उन्होंने कहा कि काश मैं पाकिस्तानी कलाकार होता तो मुझे कम से कम पाकिस्तान में गाने का मौका तो मिलता, जैसे पाकिस्तान के गायकों को यहाँ मिल जाता है, कुछ भी हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी गायक यहाँ आते रहते हैं उनको लेकर निशाना था। तीसरी बार अजहान को लेकर, जो उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया, उसके बाद से ट्विटर पर विदा हो गए, और लगातार उन्होंने तीसरी बार कहा कि अजहान से मेरी नींद ख़राब होती है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे मुस्लिमों पे निशाना था। अब ये सोनू निगम ने जानबूझ के, क्योंकि सोनू निगम पॉलिटिकल रहते नहीं हैं, लेकिन हम जो करीब से उन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो थोड़ा इमोशनल किस्म के आदमी हैं और नॉर्मली राजनीति से दूर रहते हैं, और जब उन्हें मन में आया वो कुछ लिख देते हैं। तो उन्होंने जो लिखा अब ट्विटर से विदा हो गए। मज़े की बात ये कि ऐसे मुद्दों पर शिवसेना ने, ये जो अजान वाला मुद्दा था उसमें नॉइज पॉल्यूशन का अप्रत्यक्ष उठा के मुद्दा उन्हें अप्रत्यक्ष सपोर्ट किया। ये वाला मसला क्या है कि उनके पारिवारिक रिश्ते और फिर यही मसले चुने जाने, क्योंकि देखिए आज तक शिवसेना के किसी कार्यक्रम में सोनू निगम नहीं जाते, केवल वो स्मिता ठाकरे के जो बेटा है राहुल ठाकरे उसकी शादी में गए। वो ऐसे स्मिता ठाकरे से जुड़े रहते हैं, स्मिता ठाकरे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वो कभी कहीं नहीं जाते। तो वो बाल ठाकरे के सीने में दफन है, उद्धव ठाकरे को पता हो सकता है, नारायण राणे को पता है, नीलेश राणे को पता है, और भी कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन ये कभी मीडिया में नहीं आता कि सोनू निगम जो कुछ नहीं है, वो बॉम्बे में रहते हुए हिंदूवादी रहते हुए लगातार कुछ ना कुछ मुस्लिमों पे कमेंट करते हुए वो कभी शिवसेना के बाल ठाकरे के करीब ही नहीं होते, एक फ़ोटो उनके साथ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा विवाद है। ऐसा तो नहीं कभी उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश हुई, कुछ ऐसी बात चली आ रही थी जिसकी वजह से अंदर ही अंदर महाराज जो है सीने में ही दफन रह गए दोनों पक्षों के, और उसी के तहत उनको मारने की बात आई। क्योंकि सोनू निगम इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि जो बाला साहब का आदेश जाए और वो जाने से मना कर दे। दरअसल जो नीलेश राणे ने ये बात कही है, वो रत्नागिरी सिंध दुर्ग से जो अभी सांसद है विनायक राउत, उन्होंने ये बात बोली थी कि नारायण राणे के पोलिटिकल करियर में 9 लोगों की हत्या हुई, उसके जवाब में ये बात बोली है, और 2014 में ये उनसे चुनाव हार गए। वही वजह बता रहा हूँ, नीलेश राणे तब तक शांत रहते, नीलेश राणे मराठी राजनीति में इतने ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि मैं मराठी राजनीति के पिता की जो राजनीति है वो ये मानते हैं कि ठाकरे जहाँ पे हैं वहाँ नारायण राणे हैं, उसकी वजह से। आप नीलेश राणे का एक एक ट्वीट देख लीजिए, एक हिंदी में नहीं, एक इंग्लिश में नहीं, वो बंदा केवल और केवल मराठी में ट्वीट करता है, इतने साल हो गए उसको करते हुए। तो नीलेश राणे के साथ ये है,
और जब उनके परिवार पर आरोप लगता है शिवसेना की तरफ से तब वो जवाब देते हैं, तब ये सोनू निगम वाला मुद्दा उठता है, दो बार हुआ है लगातार। एक चीज और बात आ रही है, जैसे कि अब नारायण राणे पहले शिवसेना में थे, मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस में आए, और कांग्रेस से अब वो बीजेपी, पहले उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी टाइप की, और फिर उसके बाद अब बताते हैं बीजेपी में आ गए। इलेक्शन मैनिफेस्टो वाली जो कमेटी है उसमें है ना? ये सियासत है, और जब चुनाव के ऐन मौका आ गया है तब इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। हालांकि अभी ये बात समझनी रह गई है कि सोनू निगम वाला एस्पेक्ट क्या है, अभी तक सोनू निगम की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। आप हमारे इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।